Huh. We got a 0 win streak. 2083 wins. सबसे पहले मेरे को देखना है कि मेरे पास है रशिया नहीं है पहला है. अरे यार डिस्कनेक्ट क्यों कर देते हैं. बूम, पहला रश कंप्लीट होता हुआ और अभी हमारे पास बड़े कम लोग हैं. एक बंदे का बेड निकाल दिया उस बंदे ने, उसको एलिमिनेट भी कर दिया बेचारे को. मेरा बेड किसने, यार मेरा बेड क्यों निकाला यार. अब मुझे एक चक्कर मिड का भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बेड नहीं है एक्चुअली. यार यू नो व्हाट, हम स्पीड रन कर रहे हैं तो आई गेस हमें बिना बेड के खेलना चाहिए बिना डरे. वो डिस्कनेक्टेड है तो अब हम डायरेक्ट जाएंगे भाई बिना कुछ चीजें हाथ में लिए एक्वा के पास. यार काश वो वॉइड कर ले एक्चुअली. व्हाटएवर, मेरे पास सामान है उससे लड़ने के लिए आई गेस. तो अब हम जाएंगे डायरेक्ट मिड क्योंकि वो भी मिड पे ही होगा जहां तक मेरी कैलकुलेशंस कह रही है. लेट्स सी. हाँ वो मिड पे. जी जी ओके, हम पहला गेम जीत चुके हैं. अब हम जाएंगे डायरेक्ट. तो वी आर एट अमेजोन फिर से. तो हमारे को पता है, मेरे ख्याल पहली गेम हो गई हमारी 4.5 मिनट में ख़त्म है ऑलमोस्ट. अगर 100 लाइक्स हुए और कमेंट्स में तुम लोगों की रिक्वेस्ट रही तो मैं ये सेम चैलेंज हाईपिक्सल में करेंगे. हम 1 घंटे में देखेंगे हम वहाँ पर कितनी विन्स निकाल सकते हैं. ओके देवी गो. बूम पप पप. ओके एनीवेज यार अब वो हरकतें करेगा पता है. लोगों मेरे को जल्दी से जाना है. कोई हरकत मत करियो प्लीज, ऊपर बिल्ड करने वाली या कहीं छुपने वाली. अभी तक अपने बेस में ही है. नहीं मत निकल, कोई हरकत नहीं चाहिए मेरे को, मैं बहुत मारूंगा. अबे यार वही ये लोग ना होते ही ऐसे पता है. ये देखो उस बंदे को मैं बहुत चांटे ही बजा देता अगर ये कुछ हरकत कर रहा होता ऐसी पता है. बाय. वो ब्लॉक्स नहीं है वैसे. मेरी दोनों फाइल के अभी तक के लिए तो जिंदा है वैसे. लेट्स सी जो भी होगा भाई. क्या है Oops. तो रेड का बंदा किधर छुपा बैठा है. ये बंदा क्या, रेड का बंदा किधर है फिर. रेड के लास्ट ब्लॉक्स इधर दिख रहे हैं मेरे को तो कहीं पेड़ों में आए गैस. अरे यार टाइम वेस्ट बहुत कराते हैं. ये देखो वो देखो भाई साहब, दिख रहा तुम्हें बंदा. नाइस. ग्रीन एंड एक्वा बचे हैं और एक्वा डिस्कनेक्ट कर गया तो सिर्फ ग्रीन बचा है. अरे यार ब्रो सीरियसली तुझे ये करने का मन है, कैसी हरकत हुई है. बस तो ऐसा रहा जैसे मैं भी गिर गया हूं. कम ऑन, बहुत टाइम हो गया इस गेम को चले हुए. भाई ये कैसे इसने इतना अच्छे से मारा. नहीं कम ऑन, मेरा हिट नहीं लगा. व्हाटएवर, अब हम ये लेंगे और आई होप मैंने उसे एमरल्ड्स नहीं दिए हैं यार. आई रियली डू होप मेरे को ये गेम क्योंकि खत्म करना है.
नहीं तो मेरे को भी स्वेटी खेलना पड़ेगा फालतू में। देखो इतना टाइम लगाया तो कम से कम जीत के तो जाऊं, यू नो जीत तो अश्योर करूं मैं। इसने यार मेरे 7-8 मिनट से ज्यादा ले लिए हैं, 10 मिनट का गेम निकल गया मेरे। अब ये कहाँ छुपेगा? पर जो भी है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हमें अभी डायमंड्स पे नहीं, हमें अभी उस पे जाना है। ठीक है ओके, वो पूरा घूम के आ रहा है गाइस एक्वा की साइड से। यू डंब, ओ माय गॉड, यूट्यूबर इन द गेम। एनीवेज लेट मी सी मेरे को वो गेम हमारा कितनी देर का था। 9 मिनट्स 19 सेकेंड्स का था ये गेम। ऑन टू द नेक्स्ट मैच जो है हमारा रूफ टॉप। पहला हमारा ग्रे, और आई होप उसके अंदर थोड़ा दिमाग और वो थोड़ा स्वेटी सा हो। स्वेटी प्लेयर सही, अनोइंग नहीं। ओह माय गॉड, भाई का स्पेस बार ही नहीं दबा। ओके यहाँ पे आई होप मैं उसका बेड ले जाऊं, बाकी कुछ और चाहिए नहीं मेरे को। ओह मर गया वो भी। ओके डायमंड्स लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्पीड रन में करना है। ठीक है हमारा पहला रश बहुत ही सही टाइम पे मरा है। ओह भाई मैंने, पता है तुम्हें कितनी सारी चीजें खोल दी हैं अभी, क्या क्या की बाइंड्स दबा दिए मैंने अपने। आजा, ओ अच्छा ये वही है भाई, ये तो वही वाला बंदा भाई, यूट्यूबर है। तो यूट्यूबर के साथ तो खेलने में थोड़ा सा डर लगता है। देखो ये वीडियो मैं शायद मोस्ट प्रॉब्ली उस पर डालूंगा, ड्रेमर वाले चैनल पे। हाँ यार मेरी एकदम से FPS कम हो जाती है पता है, जैसे ही मैं उस बंदे के पास जा रहा हूँ। ये चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा आई होप सो, अगर रिकॉर्डिंग में दिखे, बिकॉज ये काफ़ी अनोइंग चीज़ है और मेरे पास काफ़ी टाइम से हो रही है मेरे साथ। तो अगर तुम्हारे पास भाई कोई सॉल्यूशन हो इसका तो लेट मी नो, नहीं तो कोई नहीं। अरे अरे यार ये क्या अनलकी क्यों हो जाता हूँ मैं एकदम से। देखो मैं डायरेक्टली बिना कोई चीज लिए जाने वाला हूँ उस, वो बंदा वैसे ऊपर से जाएगा मेरे को जहां तक लगता है, क्योंकि थोड़ा तो अनोइंग है वो। ओके उसने तो भाई यही मार दी, नाइस ये बंदा मरा। अब हम सामान लेंगे इधर से ही थोड़ा। ओके लेट्स सी आगे अब क्या करना। ओके हमारे पास बचा है ब्लू, जिसके पास एक ही वो है, मतलब एक ही है वो, और उसके बाद हमारे पास बचा है येलो जिसका बेस मेरे ख्याल सामने ही होगा। तो हम उसके पास जाएंगे मिड से, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है वो मिड से ज़्यादा पास पड़ने वाला है। ओके उसने ब्लू को एलिमिनेट कर दिया, दैट इज़ ग्रेट न्यूज़। और अब मैं फाइनली इसको निकाल दूंगा, उससे पहले आई नीड टू टेक सम थिंग्स जो मैं, और मैं इसमें भी डाल दूँ बेड माइन करके, वॉइड करके। जी जी 5 मिनट्स 18 सेकेंड्स, नॉट दैट बैड, पर बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगा, पर्सनल नॉट सेटिस्फाइड, आई हेट दिस मैप। ओके मेरे को आज तक इस मैप में समझ नहीं आया कि मेरे को कहाँ जाना है। एक तो पीका का मैप रोटेशन इतना बेकार होता है, लाइक अब मैं किधर जाऊँ, मैं इधर जा रहा हूँ ठीक है, मेरे को नहीं पता, मैं डायमंड्स की तरफ जाता हूँ। मैंने बचपन से यही सीखा अपने पूर्वजों से, पर्पल वॉलीबेयर गया हुआ है 80 विक्सन से, कि हम हमेशा डायमंड्स की साइड रश करते हैं मोस्टली अगर ऐसा कोई अजीब सा मैप होता है। तो भाई मैं तो अपने पूर्वजों की बात मानूंगा और मैं इधर आ चुका हूँ डायमंड की तरफ, और अब मैं जा चुका हूँ इधर आ चुका हूँ, और अब मैं इसका बेड निकालूंगा। मेरे को नहीं पता है सामने क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका ब्रश आ गई है, और यहाँ पे आ रहा है ग्रे जिसका बेड उसे निकाल दिया है, और इसी के साथ मेरे को ये वाली फाइनल किल भी मिल जाती है, और इसके साथ मेरे को एक डायमंड मिल जाता है जिससे मैं अपने लिए ट्रैप ले लूंगा, ताकि मेरे को पता लग जाएगा कोई मेरे पास आ रहा होगा। और इसके साथ अब हम ट्रैप से मेरे को पता चल गया कि मेरे पास कोई आ रहा था, और मेरा बेड जा चुका है, हमें क्लच गेम निकालना पड़ेगा वो भी स्पीड रन वाला। तो अब हम रेड को थोड़ा ब्रिज करने देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं उसमें। पर क्या हमारे पास ग्रीन आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब मैंने गलत रश किया शायद, मेरे को नहीं पता भाई। ये मैप में हमेशा कोई भी कहीं से भी रश कर रहा होता है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है तो अब हम इधर जाएंगे और हम पहले ग्रीन को निकालने का कोशिश करेंगे, और
उस हिसाब से इसका बहुत अच्छा लोकेशन है भाई, मैं जा नहीं सकता, बहुत गंदा रास्ता है टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है अब जो भी है है। हम इधर से जाएंगे पटाक से पिंग, ओह नो नो, मार गए। कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। इधर हमने वेस्ट कर दिया यार कुछ टाइम। ओह नो भाई, वो मैप एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं इसलिए उस मैप पे खेलना प्रेफर नहीं करता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता पहला रश है किधर, कभी मेरे को साइड से रश आता है, कभी आगे से रश आता है, और ऐसा ही होता है, मैं हमेशा ही पिस जाता हूँ। ओह ये बंदा लीव, ओह मैन मेरी फाइनल किल बेकार हो जाती है ऐसे। ओके मैंने काफ़ी टाइम से TNT जंप करी नहीं है, इन्होंने TNT जंप का भी एक नया फॉर्मेट सा डाल दिया है, तो मेरी जो पुरानी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो थी वो पूरी इन्होंने ख़राब कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर से एयर शो मैप निकाल दिए इन गधों ने, इन्होंने TNT की टाइमिंग चेंज कर दी है, इन्होंने मैप्स निकाल दिए आधे ज़्यादा, जिसने मैं ब्लॉक इन वाली चीज़ें बोली थी, तो बेसिकली आई एम वेरी सैड ब्रो, नो गोना लाई। ओके TNT इट इज 2-1, वो 10 साल बाद फटाए। ओके आई गेस 0 पे फटता है अब तो, अब हम कूदेंगे अगली बारी, अगर हम कूदेंगे कभी तो। देखा मैं फिर से वैसे मूड में आ जाता हूँ कि मेरे को हल्के से खेलना है, मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को स्पीड रन करनी है एक्चुअली, पर मेरे को एक्सीडेंटली लगा यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। एनीवेज 4 लोग बचे हम तो, अवॉइड करके भी मैंने अच्छा ही गया, इतना कुछ बुरा है नहीं, अभी गेम की स्टार्टिंग ही हुई है। मैं कहता हूँ सब लोग आपस में एक दूसरे को मार दो और मुझे जिता दो। ओके 3 डायमंड्स पहले यूज कर लेते हैं हम, ट्रैप ठीक है, और अब हम लेंगे यहाँ से एक आर्मर और एक ये, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। ओके ग्रे ने मतलब ग्रे का बेड टूट गया है बाय एक्वा, एक्वा ने अवॉइड कर दिया, यानी एक्वा अभी अपने बेस पे है, और ये बंदा अब मेरे को नहीं पता कहाँ भगेगा। भाई लैग मत हो यार ऐसे, प्लीज ऐसे मोमेंट्स पे लैग मत हुआ कर जहाँ पे तू एकदम मेरे पे रश करने वाला हो। ओके उसने नीचे वॉइड में डायमंड्स फेंक दिए, इवन दो आई डोंट केयर। ग्रे का एक बंदा बचा है और एक्वा के पास बेड बचा है और वो भी बचा है, तो एक्वा जो बेड वाला बंदा है वो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा इधर आसपास, और आई गेस वो रश कर चुका है एक्वा पे। ओ ग्रे हैज बीन एलिमिनेटेड, यानी वो उसके बेस पे ही है आसपास, आई थिंक सो। लेट्स सी दोनों अच्छा खेल रहे थे टू बी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं। ओके यहाँ से हम शार्पनेस ले सकते हैं। ओह नो वो मेरे बेस पे जा रहा है, वो मेरे बेस पे पहुंच सकता है जल्दी से अगर वो जाए तो। है हम यहाँ से ये करेंगे और वॉइड नहीं, फायरबॉल से पहले मैं आ जाऊंगा। वो दैट इज नॉट अ प्लस, That is a plus. Okay, यहाँ पे हम आ चुके हैं अगले मैप में, इसमें हमने 5 मिनट लगाए हैं तो नॉट दैट बैड, 5 मिनट 4 गेम ही जीते हैं हम अभी तक, दैट इज रियली रियली बैड। और ये मैं आई गेस वीडियो ड्रीमर XG पे डालने वाला हूँ, बिकॉज इसमें बिल्कुल मैं एफर्ट्स नहीं डालने वाला हूँ, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। और बात ऐसी है कि मैं अपना ही रिकॉर्ड बार बार ही तोड़ूंगा अगर मैं अलाइव रहूंगा इस बेड वॉर्स कम्युनिटी में, तो मैं अपना रिकॉर्ड बार बार तोड़ना चाहूँगा बेसिकली, मैं फिर से ट्राई देता रहूँगा हाउ मेनी गेम्स आई कैन विन वाला सीन जो भी है उसको करता रहूँगा। ओह डैम इट बॉय, यार ये मेरे को कैसे इतना वो कर रहा है, मेरे को लिटरली ये हवा में 2 हिट मार के आया है, वाह कैसे, आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड, बस आने से पहले मेरे को इसने 2 हिट कैसे मारे मेरे को नहीं पता।
ऐसे मारे होंगे ना। नाइस, तो मेरी स्टोन स्वॉर्ड ने मेरे को बचा लिया इधर, और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था टू बी ऑनेस्ट। अच्छी बात है, मेरे को पीके नेटवर्क में पहले ही स्वेटी वाला जो बंदा है मेरे पास ही दे दिया था। तो मेरे पास इधर से तो कोई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हम डायमंड सेलेक्ट करेंगे आई गेस। ये सबसे शॉर्टेस्ट मैप है अभी पीका में, तो देखते हैं हम अगला रश किस पे कर सकते हैं। सामने वाले पे ही करेंगे आई गेस, जो भी है वहाँ पे। वो भी मिड पे है, हाँ वो भी मिड पे है। उसके पास ज़्यादा हेल्थ है, मेरे पास उसके पास है आई गेस। इट्स ओके, मैं भी बहुत करता था। और हम यहाँ से इधर जाएंगे क्योंकि इसके पास है आयरन आर्मर। और मैं बहुत ज़्यादा डम्ब हूँ क्योंकि मैंने अभी वेस्ट करे हैं अपने सारे के साथ। अरे सीरियसली भागेगा? अरे ऐसे क्यों भाग रहा है यार, कम ऑन बॉय। ओके, हम आई गेस मैं मेरा बेड जाने वाला है इधर। ओह नो बॉय, आई ट्राइड। ओके वॉइड में गिर गया, दैट इज ग्रेट। कोई बात नहीं, टाइम लगने दो। मैं टारगेट तो वैसे 10 गेम्स का बना के आया था, पर 10 गेम्स करना, हर एक विन 6 मिनट में करना इज एक्चुअली क्वाइट इम्पॉसिबल। तो लेट्स सी जो भी होगा। ओ भाई साहब, ये बंदा तो एक्चुअली बड़ा क्रिंज सा है भाई। होली हेल भाई, ही रियली वॉन्ट्स कि मैं मर जाऊं भाई, पता है? लाइक रियली रियली वॉन्ट्स। इसने इस बंदे को भी कितना परेशान किया, इतना हाई बिल्ड कर करके। डैम क्रेजी भाई, वो ना मेरे एग्जैक्ट ऊपर है यार। अरे यार मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है बहुत ज्यादा। ये चीज क्यों करते हैं लोग? अब मैं क्या करूं? आई गेस एस्केप के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं एस्केप ही करूंगा। बाय बॉय, क्या मस्त फंसाया यार उसे मैंने। मैं बहुत गलत फंस गया हूँ, मेरी प्रोटेक्शन पर बहुत आया, दैट्स ग्रेट। क्या पूरा स्क्रीन शेक कर दिया भाई मैंने। ओके जी, नेक्स्ट गेम फटाफट से, और इसका मैच रिकैप देख के मैं हिलने वाला हूँ बहुत गंदी तरह। एनीवेज 39 मिनट्स हो गए और हमने इसमें लगा दिया फिर से 10 मिनट। ओ गॉड आई हेट दिस मैप, पर अब हम आ गए हैं तो हम खेलेंगे। आई रियली हेट दिस मैप भाई, ये पता है सबसे गंदा मैप क्यों है? क्योंकि इसमें अगर मेरे को क्लच करना है तो मेरे को डायमंड्स नहीं मिलेंगे, और अगर मैं किसी के बेस पे जाऊँ तो मुझे साथ में डायमंड्स मिलते जाएंगे, और मैं ये चीज़ के डर में रहता हूँ कि यार डायमंड उससे ना मिलते, और लालच रहता हूँ तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं डायमंड सेव करूँ। तो बेसिकली आई हेट दिस मैप, और मैं जो भी कहा है तुम्हें वो मैं अभी तुम्हें फिर से समझा दूंगा। तो जाए नो, तुम्हें कुछ भी समझ आया नहीं होगा, तो वेट फॉर दैट मोमेंट। एनीवेज यार मैं चाहता तो हूँ कि मैं हाईपिक्सल में करूँ चैलेंज, सो लेट्स सी अगर हाईपिक्सल में भी हो पाएगा। एनीवेज अब हम 5 या 6 विंस पे आए, गेस 5 पे हैं, आई एम रियली नॉट श्योर। तो बेसिकली ये मैप मेरे को इसलिए पसंद है, एक तो ये हरकतें क्यों करते हैं लोग, और वो वाली हरकतें भी क्यों करते हैं लोग, लीव ही करेगा। तो बेसिकली अगर अब मुझे उधर जाना है तो मेरे को यहाँ पे एमरल्ड जनरेटर से हुक के जाना पड़ेगा। दैट विल बी रियल टाइम वेस्ट भाई।
ये गेम भी बहुत बड़ा जाने वाला है गाइस। तो अब मेरा गोल रहेगा 5 से, अगर हम 5 जीत चुके हैं तो कम से कम 7 विंस कर लूंगा, आई होप सो। आई डोंट नो मैन, सबसे छोटे मैप में सबसे ज्यादा टाइम लगा भाई। देखो इस बार मेरा ऐसा सीन था कि मैं क्लच करके रहूंगा क्योंकि मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले जब मैं क्लच नहीं कर पाया था उस समय हरकत ये हो गई थी कि मुझे ऐसा था कि मैं जीत ही जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता बेड का, और मैं हर जगह से पिसता चला गया क्योंकि मैं 3 लोगों के बीच में था उस गेम में। तो बेसिकली अब मेरे को अगर इधर जाना है, समझ लो मैंने अपना पहला रश उड़ा दिया है और अब मैं इधर जाऊंगा, तो मेरे को बीच में एमरल्ड जनरेटर मिलता है और मेरे को एमरल्ड उठाने पड़ेंगे, और फिर मैं एमरल्ड उठाने के बाद इधर जाऊंगा और मेरे को फिर से डायमंड्स भी मिलेंगे। इस हालत में मेरा मन कैसे बनेगा कि मैं किसी के बेस पे रश कर सकूं? इवन तो अभी तो मैं फिर भी कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं अलग, और एक्वा ने पता नहीं क्या किया, एक्वा ने उस बंदे को पर मार दिया। तो आई होप वो उस बंदा इसको मार दे ताकि मैं इसे इसका बेड ले लूं। यस, वो हो चुका है। ठीक है, हमने इसे मार दिया और उसके पास इतना बड़ा डिफेंस है, तो हम ये लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे। ठीक भाई, इतना क्या भूल ही भर दिया भाई उसने बेड डिफेंस पे पूरा ही। एनीवेज, लेट्स सी व्हाट यू गॉट बॉय, लेट्स सी व्हाट यू गॉट बॉय। नथिंग, हाँ मर गया भाई, मैं सोचू कि ये क्या मरा या नहीं मरा। एनीवेज आई गेस दैट इज इट फॉर हिम। ओके, हम इधर आ चुके हैं, पिंक के पास बेड है नहीं, वाइट के पास है, तो हम वाइट पे जाएंगे और वाइट को खत्म करके आएंगे बिल्कुल, और फिर हम डायमंड से कुछ ले लेंगे आई गेस। ओके, अब बचा है सिर्फ रेड का एक बंदा और ग्रे, आई गेस ग्रे मैं हूँ क्या, नहीं ग्रीन हूँ। ओके हाँ, रेड और ग्रे बचा है, तो ग्रे और रेड आपस में क्यों लड़ रहे हैं अगर रेड का एक बंदा बचा है? ग्रे का बंदा इधर क्या कर रहा था? इधर था या नहीं था? नहीं था, नहीं था। अच्छा, ब्रिज तो नहीं बना हुआ। कितनी बकवास करता हूँ भाई मैं, तुम क्यों देख रहे हो वीडियो? हाँ भाई, ये वीडियो फनी भी नहीं होने वाली क्योंकि मैं इसे लिटरली 10 मिनट में एडिट करने वाला हूँ पूरा फिर इसे अपलोड कर देंगे ड्रीमर चैनल के लिए। तो ये वाली क्या फाइनल किल हमें मिल सकती है साथ में? आई रियली वॉन्ट यू। ओके, लास्ट बंदा उसके बेस पे, ऑलमोस्ट वो वहां पे पहुंच चुका है, तो हम उसे फायरबॉल तो कर नहीं पाएंगे आई गेस। पर ओ डैम, फायरबॉल कर दिया हमने उसे। इजंट दैट ग्रेट, मैच रीकैप। यस, और हम जाएंगे यहाँ पे। तो हमने उस गेम में 5 फाइनल किल्स लिए हैं। डैम दैट इज क्रेजी। ओके, ये सबसे फास्टेस्ट गेम था क्या? नहीं, ये भी इसमें भी 5 मिनट लगा दिए हमने। ओके, एक और गेम मेरी एक्सपेक्टेशन में है, ये वाली। 45 मिनट्स हो चुके हैं हमारी रिकॉर्डिंग को। ओके, हमें अगर हम तेज रहे तो हम 8 विंस कर सकते हैं, एंड 8 विंस अकॉर्डिंग टू मी इज इनफ, मोर देन इनफ इस हिसाब से। वैसे तो मेरे को तो इस गेम का मैं टारगेट बना के आया था, बट कोई बात नहीं, हाईपिक्सल में मेरा गेम 4 गेम का रहेगा टारगेट, बिल्कुल हाफ, पर क्या पता तुम्हारा भाई उसमें चप्पड़ फाड़ दे, तो 100 लाइक्स कर देना उसके लिए। अरे मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है क्या? बस बड़े कम ब्लॉक्स हैं यार इसके पास जाने के लिए। हाँ भाई, ये बंदा क्या कर रहा है, मार ही नहीं रहा, एक हिट भी नहीं मारा इसने। काश वो ब्लॉक, अगर वो ब्लॉक प्लेस होता ना वहां पे तो ये फाइट मेरी थी लिटरली। एनीवेज, मेरे को जल्दी जाना है ताकि वो कुछ अजीब सी हरकतें ना करें ऊपर जाने वाली, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आई होप वो आराम से टाइम ले, गैपल वैपल खाए, कोई ऊपर 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 चढ़ी हो मत, बस ऊपर नहीं चढ़ना तेरे को, ठीक है ब्रदर? ऊपर नहीं चढ़ना, ऊपर नहीं चढ़ना। हाँ बढ़िया,
थैंक यू मैन, अप्रिशिएटेड। ओके अब हम जाएंगे ग्रे, मेरे आसपास होता है ग्रीन के पास। ओके तेजा ब्लू हुआ मेरे को अभी जब मैं यहाँ से वही वाला ब्रिज कर रहा था, तो वो बंदा ग्रे के पास गया है। बहुत बढ़िया भाई। ओके आई होप मरे जैसे ही तो मैं इसे हरा दूँ। थोड़ा सा किल्स का भूखा भी हूँ मैं एज अ सेट। ओके क्या वो क्या करेगा अब, थोड़ा लेट हो गया, अब वो बेड उस पर जाएगा। मेरे को आगे बढ़ना है भाई गेम में यार, मैं ऐसे वेट नहीं कर सकता उसके मरने का। कहाँ है वो बंदा, वो वहां से गया है क्या? उतना टाइम नहीं है भाई हमारे पास कि हम उधर से जाएं। मुझे लग तो ये रहा था कि इधर होगा। हाँ चलो ठीक है, कैलकुलेशंस तो सही करता हूँ। चलो मैं बैंड बॉल में, गेम सेंस पूरी है तुम्हारे भाई में भी। फायर बॉल, यप देखा एक और फायर बॉल, ये नहीं एक्सपेक्टेड थी। तो हम इस पर कूद के इसे नीचे गिरा देंगे। नीचे भी नहीं गिरा, खत्म ही हो गया, बढ़िया। ओके हम इसे यहाँ से यहाँ और ऐसे करेंगे और अब हम फिर हम यहाँ से सामने जाएंगे। 5 मिनट से ज़्यादा हो गए, उन्हों बच्चा सिर्फ वाइट है, वाइट मिड पे, लेट्स गो, दैट इज रियली नाइस। एमरल्ड्स पकड़ेंगे एक। हाय बॉय व्हाई यू हाइडिंग, ओके हियर वी गो, बिकॉज 12 एमरल्ड्स क्यों थे। हमारा भाई 3 मिनट की क्यों नहीं निकल रही है कोई भी गेम। ओके मेरे ख्याल हम अगर इस मैप में खेले तो हम बेकार करने वाले हैं बहुत। ये मैप क्यों आ रहा है, आई हेट दिस मैप, कम ऑन डोंट वेस्ट माई टाइम। यार मेरे को ऐसा लग रहा है इस गेम में भी, इस मैप में भी नहीं आएंगे तो क्या करूँ मैं, जल्दी जल्दी यही खेल लेते हैं भाई, छोड़ो। ओके ये लास्ट गेम होगा अगर मैं हो पाया तो। हमने 7 का टारगेट तो अचीव कर लिया, चलो 1 2 3 4 5 6 और लास्ट होगा हमारा मैच रिकैपिंग। ओके आ जाओ भाई, लेट्स सब कुछ डालते हैं जेब में और हम करते हैं आज 4 आयरन रश। ओ भाई वो भी यही कर रहा है, वो लिटरली यही कर रहा है, नेवर माइंड, वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है अब मुझे। आई गेस मैं सारे गेम जीत जाता अगर मैं उस गेम में थोड़ा अनलकी ना होता। ओ भाई इस बंदे ने मेरा ब्लॉक ही डिसअपीयर कर दिया। आह कम ऑन बॉय, आई लाइक दैट ब्रो, ब्रो सेड ब्रो। गॉट मी यार, मिंकू बॉय यार अच्छा खेलता है। ओके स्वेटी तो है। इट्स गुड देयर, इट्स गुड देयर। वो मुझे पता है कि अनॉइंग खेलेगा थोड़ा, उसको पता लग गया है कि मैं ढंग का प्लेयर हूँ, तो हम यहाँ से डायरेक्ट मिट जाएंगे और हम वापसी भी जाएंगे क्योंकि मेरे पास आयरन आर्मर है और उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा तो। और ये बड़ा अनॉइंग प्ले भी था टू बी ऑनेस्ट जो उसने हरकत करी है अभी। बाय। ओके अब हमारे पास कुछ है नहीं खास तो लेट्स ये आखिरी गेम होगा आई गेस, इसके बाद का कोई गेम हम नहीं कर पाएंगे सैडली। भाई वो गंदा, बड़ा गंदा कैंप करता वैसे, उसने हर दो बारी तो ऐसे ही कैंप करने की कोशिश करी है। कोई बात नहीं चलो, जैसे जिसकी स्ट्रेटजी मैन। ओके यहाँ पे मेरे को ग्रे का बंदा के बेड नहीं है तो हमारे पास बेड है सिर्फ येल्लो और रेड की फाइट जो चल रही है, ठीक है तो उसमें इंटरवीन करने गया है ग्रे और ग्रे ने जो है
आई गेस कुछ अभी तक उखाड़ा नहीं है, नेवर माइंड। हम यहाँ से जल्दी से इधर जाएंगे और इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, और रेड अभी भी अपने बेस पे ही है और मैं रेड के पास बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। ओके हम बेस पे अपने वापसी आ गए पूरा घूम के, अच्छी बात है, हमें सबकी लोकेशन पता लग गई। ओके तो अब ग्रे जाएगा रेड पे मोस्ट प्रोबेबली, अच्छी बात है कि मेरे पास सारे सामान है। तो अब हम ये लेंगे, ये लेंगे और लेंगे हम अपनी ये। ओके हम यहाँ से अब्दुल भाई का बेड निकालेंगे जिन्होंने अभी अभी ग्रे को एलिमिनेट कर दिया है। तो अब सिर्फ अब्दुल भाई बचे हैं, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके बाद हमारे पास एक और गेम का टाइम बच सकता है अगर हमने शुरू कर दी। लेट्स सी। ओके ग्रे ग्रे का बंदा उधर ही था कहीं, तो मैं गेस कर रहा हूँ कि रेड का बंदा भी कहीं इधर ही होगा या तो मिड पे होगा। मैं इधर ओह गॉड वो नीचे गिर गया भाई, मेरे को लगा मैं मरा। कम ऑन भेजो ना अभी, पीका ग्लिच हो गया भाई पीका। ओह आई गेस मेरे को नहीं पता ये गेम गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा टू बी ऑनेस्ट। हमारा पिछला गेम भाई लिटरली 4 मिनट्स 53 सेकेंड्स का गया भाई। यार बेचारे इनको पता नहीं है ना, ये लोग मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं देखे हैं जो इन्हें पता होगा ये कमांड बेडवर्स -1 वाला। कोई बात नहीं चलो, और मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू ऑल, आई विल बी लिटरली ऑनेस्ट विद यू ऑल। ठीक है ओके वो बंदा मेरे ख्याल ऊपर बिल्ड करने वाला है, वो बंदे की शक्ल देख के मेरे को ऐसा लग तो रहा था। हाँ ओके उसने नहीं किया, अप्रिशिएटेड, पर तेरे को नीचे गिरना होगा क्योंकि तू बिना देखे ब्रिज कर रहा है। और अब मैं यहाँ से ये लूँगा, मेरे पास आयरन वो स्वॉर्ड नहीं है अच्छी, तो इसका पहला हिट लगेगा ही लगेगा सैडली, क्योंकि इसके पास स्पॉन प्रोटेक्शन होगी। बट अगर मैं इसे एक हिट फालतू दे दूँ। ओके हम जाएंगे, इधर नहीं जाने का कोई मतलब बनता है, पर वो बंदे ने अभी अभी बेड निकाला आई गेस, तो हम जा सकते हैं। ओके देयर वी गो, बिल्कुल स्पीड में ये ख़त्म करना चाहूँगा मैं, ताकि हम एक घंटे के अंदर सारी रिकॉर्डिंग अपनी कर पाए। और मेरे को पता नहीं है तुम ऊपर टाइमर देख रहे होगे वैसे कितना होगा, मैं तो रिकॉर्डिंग टाइम देख रहा हूँ। रिकॉर्डिंग टाइम के बाद मेरे ख्याल कुछ एक मिनट तो लग ही गया होगा फालतू, या ऐसे नहीं लगा होगा, आई डोंट नो। ओके ओके हमें फाइनल किल मिल रही है फ्री की, तो हम लेंगे ज़रूर। इस बंदे ने फालतू में आयरन सॉर्ड ले रखी है, एक हिट भी नहीं मारा गया। अरे यार ये क्या व्हाट, इसने मेरे को साइड में गिरा दिया। ओके नाइस वन आई गेस। भाई ये मेरे को सब टारगेट क्यों करते हैं, एक तो मेरे को समझ नहीं आती है बात, पता है भाई मैं डिल्यूजनल हो रहा हूँ ये क्या हो रहा है एकदम से मेरे को भाई मैं मजाक से कह रहा हूँ, मेरे को एक बंदा दिख रहा था वहां पे, मैंने कहा यार ये नहीं है नहीं है नहीं है। ओ यस आई लव इट। यार लोग मेरे को है ना फायरबॉल कर देंगे, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ पता, बट आई गेस यही हमारे आखिरी मोमेंट्स हैं। हाँ भाई क्या पीछे पड़ रहे हैं दोनों मिलके, देख रहे हो तुम ये चीज वैसे ध्यान से, नॉट नाइस यार, आपस में भी लड़ो। नेवर माइंड बढ़िया गुड ग्रीन भाई। ओह गॉड डैम बॉय, ओह नो नहीं मैं नीचे देख के चल रहा।